आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी कि जीबीसी में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी 80,000 करोड़ के 1,406 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स में कृषि, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई, विनिर्माण, ऊर्जा, फार्मा, पर्यटन, रक्षा, एयरोस्पेस, हथकरघा और कपड़ा आदि जैसे सेक्टर शामिल है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पूर्वाह्न 11 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देश के शीर्ष उद्योगपतियों के शामिल होने की भी संभावना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के चलते सुरक्षा चाक चौबंद है। 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है और तमाम रास्तों को आज डाइवर्ट कर दिया गया है। एयरपोर्ट से लेके इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक जहां ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है वहां सुरक्षा व्यवस्था पूरे रास्ते पे देखने को मिल रही है। रूट कई कई पे डाइवर्ट किया गया है और साथ ही साथ एयरपोर्ट पे और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पे लोक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। लोक नृत्य देखने को मिलेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे और ये तीसरी बार है जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रहा है। और इस सम्मेलन में कई निवेशक आएंगे, उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे, उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही साथ प्रदेश की सूरत भी बदलेगी। तो इस दौरान पीएम मोदी 80,000 करोड़ के 1,406 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। इन प्रोजेक्ट में सिर्फ किसी एक क्षेत्र पर ध्यान नहीं होगा। कृषि, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई, विनिर्माण, ऊर्जा, फार्मा, पर्यटन, रक्षा, एयरोस्पेस, हथकरघा, कपड़ा, इन तमाम चीजों और बाकी अन्य सेक्टर्स पे भी पूरा जोर दिया जाएगा। हर एक सेक्टर को मजबूत करने की कोशिश है और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 11 बजे से ये कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश के शीर्ष उद्योगपति भी शामिल होंगे। साथ ही यूपी सरकार के कई बड़े चेहरे भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो आज सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है क्योंकि कई निवेशक और शीर्ष उद्योगपति सिर्फ देश ही नहीं विदेशों से भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तैयारियां हफ्तों पहले से शुरू हो गई है। लखनऊ की तस्वीर बदल गई है। बात करी जाए उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से की, वो चाहे पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो या फिर उत्तरी क्षेत्र, तो हर तरफ विकास की गंगा बहाने के लिए ये एक बार फिर आयोजन किया जा रहा है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का। और अगर बात करें रोजगार के अवसर की तो जरूर रोजगार के अवसर मिलेंगे लोगों को क्योंकि जब देश के अलग अलग क्षेत्रों से बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, यहाँ पे निवेश करेंगे, बड़े बड़े उद्योग खोलेंगे तो लाजमी बात है कि यहाँ पे भी लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज इतना बड़ा कार्यक्रम है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आज सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बारे में। आपको बता दें कि उनकी अगुवाई करने देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। और वहीं आपको बताएं कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से लेकर और अमौसी एयरपोर्ट तक पूरे जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं शिखा आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो इन सभी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से एयरपोर्ट तक सड़कों को सजा दिया गया है, फूल पत्ती के गमले लगाए गए हैं। वहीं आपको बताएं कि इन सभी जगहों पर एलआई की टीम के लिए रखा गया है कि लोकल इंटेलिजेंस जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ साथ गुप्तचरी के भी माध्यम से हर एक तत्वों पर, अजारक तत्वों पर नजर रखेंगे। वहीं आपको बताएं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां आप देख सकती हैं कि ये मुख्य प्रवेश द्वार है जहां प्रधानमंत्री मोदी 11 बजे आएंगे। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास को लेकर जो निवेशकों का सम्मेलन किया जा रहा है उसमें देश विदेश के प्रमुख जो उद्योगपति हैं वो आएंगे और उत्तर प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी देंगे।
वहीं आपको बताएं कि माना ये जा रहा है कि 80,000 करोड़ के परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। वहीं आपको बताएं कि इस समय परियोजनाओं की अगर बात की जाए तो 1406 प्रोजेक्ट का भी आज प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ माना ये जा रहा है कि इस कार्यक्रम के बाद इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 यानी कि इन्वेस्टमेंट समिट 3.0 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर में 4 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस आज के कार्यक्रम में जो देश विदेश और साथ ही साथ प्रमुख जो उद्योगपति है वो आ रहे हैं, तो इनमें बात की जाए तो कृषि सेक्टर से, आईटी सेक्टर से, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से, एमएसएमई सेक्टर से, निर्माण सेक्टर से, ऊर्जा फार्मा से, पर्यटन से, रक्षा से, एयर स्पेस से, हस्तकरघा से और कपड़ा, इन सभी जो टेक्सटाइल, इन सभी जगतों से लोग आज यहाँ सम्मिलित होने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो युवाओं की आशा अपेक्षा रही है, बेरोजगारी इधर उत्तर प्रदेश में कहीं बढ़ गई है, उससे युवाओं को आशा अपेक्षा बढ़ गई है कि एमएसएमई कंपनियों में उन्हें जब ये अपनी निवेश यहाँ करेंगे तो उनकी नौकरियां कहीं ना कहीं उन्हें मिलते हुए दिख रही है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए 11 बजे का समय तय किया गया है और अगुवानी के लिए जिम्मेदार पहुंच चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ के कमिश्नर और लखनऊ के डीएम समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं वो खुद पैदल गश्त करके और सुरक्षा के कड़े इंतजाम देख रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि इस वक्त आप देखें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हूँ, जहाँ SSB चाहे बात की जाए तो पैरा कमांडो, चाहे बात की जाए यूपी पुलिस, सबके जवान मुस्तैदी के साथ यहाँ तैनात है और चप्पे चप्पे पे हर एक चीजों पे नजर रखा जा रहा है, हर एक छोटी सी बड़ी चीजों पे भी। आप देख सकती है कि ठीक सामने मेटल डिटेक्टर लगाया गया, जहां से कोई भी व्यक्ति अगर प्रवेश करता है तो उसे वहां डिटेक्ट किया जाएगा। साथ ही आपको बताएं कि अंदर अगर देखें तो लोक संगीत, जो उत्तर प्रदेश के लोक संगीत है, चाहे बात की जाए फगुआही की, चाहे बात की जाए हुरका डांस की, चाहे अति विलुप्त हो रही संस्कृति जो उत्तर प्रदेश के नृत्य और संस्कृत है, कला है, उसको प्रस्तुत करने के लिए, उसको जीवंत करने के लिए उनको यहाँ आमंत्रण दिया गया है। आपको बताएं कि जो तमाम निवेशक आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए अनेक उत्तर प्रदेश की पहचान, चाहे बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नृत्य में से एक है फगुआही डांस, जो कि मौसी एयरपोर्ट से भी आयोजन किया गया, साथ ही साथ यहाँ पे भी आयोजन किया गया। वहीं आपको बताएं कि आजमगढ़ से भी कुछ कलाकारों को बुलाया गया है जो प्राचीन समय से अपने नृत्य का प्रदर्शन करते थे, तो इन सभी कलाकारों अपने प्रदर्शन के माध्यम से आज के कार्यक्रम का जो शोभा है उसको बढ़ाएंगे। वहीं आपको बताएं कि जो निवेशक आ रहे हैं उसमें अगर देखें तो अडानी समूह के अडानी, और वहीं अगर बात की जाए तो तमाम जो उद्योगपति हैं वो आ रहे हैं, और उनके संबोधन के बाद उनके भी संबोधन, उनके उनके निवेशक जो निवेश करेंगे, इच्छा जाहिर करेंगे, वो भी अपना प्रपोजल देंगे। तो वहीं आपको बताएं कि 4 सेक्टरों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। अगर माना ये जा रहा है कि जो पश्चिमांचल है वहाँ जो 18 आपको बताएं कि जो पश्चिमांचल है वहां पे 80,000 करोड़ का जो निवेश किया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा ये माना जा रहा है कि पश्चिमांचल में होगा। वहीं दूसरे नंबर पर पूर्वांचल को गिना जा रहा है, और तीसरे पे अगर देखा जाए तो मध्यांचल यानी कि अवध क्षेत्र के आसपास की जगहों को रखा गया है। वहीं अगर बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र, जो कि सबसे छोटा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसके लिए भी विकास के खाके को तैयार किए गए हैं, वहां पे भी अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। और आपको बताएं कि आज के जो कार्यक्रम में शिरकत होने तमाम उद्योगपति आ रहे हैं देश विदेश से, उसमें बात करें तो आदित्य बिरला ग्रुप के समूह के अध्यक्ष मंगलम बिरला आ रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी आ रहे हैं, ITC लिमिटेड के अध्यक्ष MD संजीव पुरी आ रहे हैं, तो वहीं हिरद नंदी ग्रुप के MD नंदिनी आ रहे हैं, वहीं आपको जिंदल ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल आ रहे हैं, और लुलू ग्रुप के MD यूसुफ अली आ रहे हैं, वहीं VP एयर लिक्विड के मैथ्यू आयरिस आ रहा है। तो तमाम देश विदेश से जो निवेशक है वो अपने निवेश की इच्छा को लेकर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिखा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए जो योगी सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट समिट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, उसमें आप देख सकती है कि अब महज कुछ समय में ये कार्यक्रम शुरू होगा। वहीं आपको बताएं कि पहला ग्राउंड सेरेमनी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने शपथ लिया था, तो पहला ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया था, उसमें आपको शिखा बताएं कि जी
विभांशु, बिल्कुल ये सब चीजें तो देखने को मिली रही हैं, कई बड़े बड़े निवेशक आएंगे इस बार निवेश करेंगे और 1406 प्रोजेक्ट्स का आज पीएम मोदी शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो एक बड़ी क्रांति भी देखने को मिल सकती है क्योंकि रोजगार के अवसर मिलेंगे लोगों को। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पे काम किया जाएगा, कृषि क्षेत्र में भी काम किया जाएगा और जैसा कि सरकार कहती है कि हम किसानों के बारे में बहुत सोचते हैं, तो जब कृषि क्षेत्र में इन्वेस्ट किया जाएगा तो इससे किस तरह का बदलाव देखते हैं? जी, भारत को एक कृषि प्रधान देश माना गया है और हरित क्रांति को अगर देखा जाए तो भारत संपर्क टूट गया संवाददाता से। तो जिस तरह से ये आज तीसरी सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पार्ट 3, तो इसमें कई बड़े निवेशक आ रहे हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में लोग जिस तरह से पलायन करते हैं कुछ हिस्सों से, दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहां जाके रोजगार की तलाश करते हैं, बड़ा पलायन देखने को मिलता है। तो अब बड़े निवेश की वजह से लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा और रोजगार के जो अवसर, जिस तरह से बात करती है सरकार कि हम रोजगार मुहैया कराएंगे लोगों को, तो उसमें भी एक कदम और आगे बढ़ाएगी सरकार और ये एक अहम दिन माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 37 साल का रिकॉर्ड टूटा है, योगी सरकार एक बार फिर से रिपीट हुई है और रिपीट होने के बाद ये तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश में निवेश लाने की जो एक तैयारी है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार जुटी हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कई बड़ी योजनाओं की सौगात देंगे। और इस खबर पे अब हमारे साथ संवाददाता वीवीआईपी से नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, आज कई बड़े निवेशक आने वाले हैं उत्तर प्रदेश, देश ही नहीं विदेशों से भी कई बड़े सेक्टर्स में निवेश करेंगे, रोजगार के अवसर खुलने की बात भी कही जा रही है, कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से? देखिए शिखा, अभी आप जिक्र कर रही थी 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है बीजेपी ने और बिल्कुल साफ तौर पर, और अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में रिपीट करी है तो कहीं ना कहीं उसमें ये जो बड़े बड़े निवेश पिछले 5 सालों में हुए हैं वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुए हैं। 2018 से ये सिलसिला शुरू हुआ था, जब 2018 में पहली इन्वेस्टर समिट हुई थी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, उसके बाद 2019 में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, 20 और 21 में इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कोविड था। 18 में 4.5 लाख करोड़ का जो निवेश था वो उत्तर प्रदेश में जो MOU थे उसके साइन हुए थे और 3.5 लाख करोड़ का जो निवेश है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें सैमसंग जैसी कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हैं, कई ओप्पो जैसी कंपनियां हैं, कई बड़ी कंपनियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश में अपना प्लांट लगाई थी और इसके अलावा जो ODOP और MSME सेक्टर है उसको मजबूती दिया गया था। इसके अलावा जब 2019 में फिर से इसकी दूसरे चरण की शुरुआत हुई तो करीब 50,000 करोड़ का निवेश हुआ और कई सारी और बड़ी कंपनियों ने उस दौरान भी सहभागिता उत्तर प्रदेश में दिखाई थी, कार्यक्रम में शिरकत करी थी और उसके बाद करीब 50,000 करोड़ का जो निवेश था वो उत्तर प्रदेश में किया गया था। आज ये तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट से बिल्कुल मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा कि ये लामार्ट्स कॉलेज यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो अब से थोड़ी देर में उतरेगा और उसके बाद यहाँ से वो बाई रोड इसी रोड से, क्योंकि ये आगे जाकर के मुख्यमंत्री आवास का ये रास्ता है और इसी रास्ते से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो कि कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 107 बड़े उद्योगपति जो है वो आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, 1406 ऐसी नई परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास उद्घाटन आज होगा और बताया जा रहा है कि करीब 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का जो निवेश है वो इस बार इस तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए उत्तर प्रदेश में होने वाला है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस बार की इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में किसी भी जो भाग है उत्तर प्रदेश का उसको नहीं बांटा गया है। इस बार पूर्वांचल से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो विकास की स्थिति है उसको कैसे मजबूत किया जाए, कैसे निवेशकों को अलग अलग जगहों पर, क्योंकि पहले कहा जाता था कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है नोएडा गाजियाबाद यहीं पर इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पर वहां पर स्टेब्लिश हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो इस बार जौनपुर भी हो गया, पूर्वांचल में भी कई जगहों पर जो कोशिशें और प्रयास हैं सरकार की तरफ से कि निवेश हो सके तो उसकी जो तैयारी है वो इसके जरिए की गई है और बताया जा रहा है कि करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की जो कोशिश है सरकार की वो आज इस कार्यक्रम के जरिए पूरी होने वाली है। ये भी अहम चीज है ये शिखा की 2 बार जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है उसमें करीब 11 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का जो प्रयास था सरकार का
वो काफी हद तक पूरा भी हुआ है और इन जैसे कार्यक्रमों से कहीं ना कहीं जो लघु उद्योग हैं, जो सूक्ष्म उद्योग हैं और जो छोटे व्यापारी हैं या फिर जो युवा है उत्तर प्रदेश का जो बेरोजगार है, अगर वो चाहता है कि वो कोई व्यापार कर सके तो इस तरह के कार्यक्रमों से उसे काफी मदद जो है वो मिलती है। नितिन, पर्यटन के क्षेत्र में लगातार सरकार अभी तक काम करती आई है, वो चाहे पिछला कार्यकाल हो या फिर दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, उसमें भी फोकस पर्यटन पे रहा है। वो चाहे अयोध्या हो या फिर काशी हो, दोनों ही जगह पर्यटन की नजरों से देखा जाए तो काफी परिवर्तन किया गया है। अब और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे पर्यटन को देखते हुए अब काम किया जाएगा, निवेश किया जाएगा? देखिए, पर्यटन हो या फिर निवेश की बात हो या फिर बिजनेस की बात हो, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। और अगर इन सारे चीजों को देखा जाए तो ये तभी सही तरीके से सिद्ध हो सकता है जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर होगी। क्योंकि पहले देखा जाता था कि व्यापारी उत्तर प्रदेश से दूर भागते थे क्योंकि यहाँ पर जो कानून व्यवस्था थी वो बहुत बेहतर नहीं थी और कई ऐसे बड़े माफियाओं की वजह से या फिर बड़े जो अपराधी हैं उनकी वजह से उत्तर प्रदेश में जो व्यापारी हैं उनका मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा था। दिल्ली से सटा हुआ जो एरिया है नोएडा, जो इंडस्ट्रियल हब बताया जाता था, वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रयास जरूर रहता था लेकिन उसके अलावा उत्तर प्रदेश के बागी भूभाग में कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी निवेश या किसी भी तरह से कोई भी प्रयास इंडस्ट्रीज को लेकर के नहीं होता था। लेकिन अगर इस बार की अगर बात करी जाए तो अगर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की बेहतर हुई है, क्योंकि पिछले 5 साल में सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रही है और इस बार फिर से उन्होंने रिपीट किया है और उसी का ही ये कहीं ना कहीं नज़ारा है कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, 107 बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, कई ऐसी कंपनियां जो हैं जो 500 करोड़ का निवेश करने की बताया जा रहा है कि 500 करोड़ तक का निवेश कर सकती है, उनकी संख्या सैकड़ों में है। 100 से 200 करोड़ की जो कंपनियां हैं वो भी उत्तर प्रदेश में जो निवेश करेंगी उनकी संख्या भी 300 से 400 तक की है। और इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि 10,000 करोड़ का जो निवेश है वो भी एक बहुत बड़ा जो औद्योगिक घराना है वो उत्तर प्रदेश में आज करने वाला है। हालांकि नाम पर अभी चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि कई सारे नाम उसको लेकर के चल रहे हैं चर्चा में, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उसमें जिक्र होगा तो बताया जाएगा। तो पर्यटन के क्षेत्र से अगर बताया जाए तो जब इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का विकास होगा और पर्यटन के क्षेत्र से भी उत्तर प्रदेश में लोगों का आना जाना बेहतर होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, अगर यहाँ पर एटमोसफेयर बेहतर होगा, कानून व्यवस्था बेहतर होगी तो जाहिर सी बात है लोग आने से यहाँ पर नहीं हिचकिचाएंगे। और जैसा कि भी देखा भी गया है कि अभी अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो भी बहुत अहम है इसको लेकर के, वहाँ पर भी पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी कुछ बेहतर करने की कोशिश सरकार की। एयरपोर्ट तक का निर्माण हो रहा है, कुशीनगर की बात कर ली जाए क्योंकि वहाँ पर बौद्ध स्थली है, वहाँ पर भी एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर भी जो टूरिज्म है उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बनारस में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है वहाँ पर भी टूरिज्म को बेहतर करने की जो कोशिश है प्रयास है सरकार की तरफ से वो किया जा रहा है। तो इन सब के मद्देनजर कहीं ना कहीं जो टूरिज्म है उसको बेहतर करने की जो कोशिश है वो सरकार की तरफ से बदस्तूर जो जारी है उस पर ये आज एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ हिमांशु भी जुड़ चुके हैं आईजीपी से। तो विभांशु, जिस तरह से एयरोस्पेस के क्षेत्र में भी निवेश किया जाएगा तो इस निवेश को किस तरह से देखते हैं? क्या और ज्यादा एयरपोर्ट बनाने की, देश के अलग अलग हिस्सों से उत्तर प्रदेश को जोड़ने की और साथ ही साथ विदेशों से जोड़ने की नीति भी देखी जा रही है? हमको क्या देख रहे हैं कि विभागों का जो मंत्रालय है उसका निजीकरण हो रहा है, इसी क्रम में अगर एयरपोर्ट जो है तो इतने तमाम जो निवेशक होंगे जो एयरवेज सेक्टर में काम करते हैं तो एयरोस्पेस बनाने को लेकर कहीं ना कहीं जो पायलट प्लेन है उसको जो उनकी जनसंख्या है उसको बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। साथ ही साथ इसका अगर उनके प्राइवेट प्लेन चलते हैं तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको कहीं ना कहीं लाभ होते हुए दिखेगा और साथ ही साथ जो आगंतुक है उनको भी लाभ होते हुए दिखेगा। तो इन सभी चीजों को देखकर और उत्तर प्रदेश के अंदर में अभी अगर बात करें तो 3 मुख्य रूप से 3 एयरपोर्ट संचालित है, एक बात की जाए लखनऊ में, दूसरी वाराणसी में और तीसरी नव निर्मित कुशीनगर के अंदर में और चौथी जो जेवर के अंदर में बन रहा है और जल्दी इसका शिलान्यास होगा। तो मुख्यमंत्री की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो 2024 के अंदर तक हम 10 एयरपोर्ट को और निर्मित करने का काम करेंगे। साथ ही आपको बताएं कि मेरठ के अंदर में और आपके अयोध्या के अंदर में इन सब जगहों पर अगर निर्माण को दिया जाएगा तो सुविधाएं उसको सरकारी के साथ साथ प्राइवेट भी रहेगी, तो
निवेश के रास्ते खुल जाएंगे, साथ ही साथ प्रदेश सरकार को राजस्व मिलेगी और जो आम जनमानस है उसको भी लाभ मिलेगा। जी इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश, यानी कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी आके उत्तर प्रदेश में अपने उद्योग लगाएंगी और उससे भी रोजगार मिलेगा। लोग लगातार पलायन करते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं नौकरी की तलाश में, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में निवेश किया जाएगा, बड़े बड़े उद्योग यहाँ लगेंगे, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हो या फिर अन्य क्षेत्र में, तो काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जब निवेश किया जाएगा तो उसके फायदे भी जानना चाहेंगे विभांशु। जी शिखा, आपको बताया कि प्रदेश को आईटी हब में तबादला करने को लेकर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं तैयार है। उसी क्रम में आपको बताएं कि लखनऊ के अलावा जो प्रदेश के तमाम जो है विकसित शहर है उसके अंदर में आईटी सेक्टर हब बनाने के लिए अग्रसर है। इससे आमतौर पर अगर देखा जाए तो युवाओं को रोजगार मिलते हुए दिखेगा और साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो असेंबल करने की प्रक्रिया है, वो भी उत्तर प्रदेश में होगी। आपको बताएं कि तमाम ऐसे उपकरण है जो देश विदेश से आते हैं मगर वो दिल्ली या बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में उसे असेंबल किया जाता है। उसी क्रम में जब इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के जो निवेशक है वो अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे और अपने जो तमाम जो उनके उत्पादन है उसका यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर में जो चीजें होंगी वो सस्ती होंगी, साथ ही साथ जो रोजगार के अवसर होंगे उसके भी बढ़ेंगे, संभावनाएं रहेंगी। साथ ही आपको बताएं कि अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर में तो नोएडा और गाजियाबाद को आईटी हब के तौर पर देखा जाता है, जहाँ सैमसंग से लेकर तमाम कंपनियों के असेंबल काम किए जाते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश के अगर 75 जिलों की बात की जाए, 4 क्षेत्रों में जो बांटा गया उसकी बात की जाए तो किन क्षेत्रों में किस सेक्टर के काम जाते हैं। वहीं अगर शिखा जब बात करें तो आईटी हब बनाने की जो बात है, जो आईटी सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात है वो शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। और कृषि संबंधित आप पिछले सवाल पे आए तो कृषि संबंधित अगर क्षेत्रों में बात करें तो ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक खेती को लेकर, ऑर्गेनिक खेती को लेकर, साथ ही साथ परंपरागत खेती से हटकर और औद्योगिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कुछ ऐसे भी रियायत दे सकती है निवेशकों के द्वारा कि अगर आपको बताएं कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसान फसलों को तैयार करके और निवेशकों को जो कंपनियां होंगी उसे डायरेक्ट बेचेंगे, इससे उनका लाभ होगा और उनके किसी आय की जो प्रक्रिया है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं जो सभी सेक्टर है उसमें जो निवेशक होंगे तो गांव से लेकर और शहरों तक विकास की रफ्तार प्रदेश की बढ़ेगी। जी नितिन, एमएसएमई पे हर सरकार बहुत ज्यादा फोकस करती है, प्रधानमंत्री का भी एमएसएमई पे फोकस रहा है और सीएम योगी का भी, तो इस बार जो निवेश आ रहा है एमएसएमई में कितना बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए एमएसएमई के बारे में मैं आपको शिखा बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटा सा डाटा जो है वो आपके सामने पेश करूंगा। देखिए पहली जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी 29 जुलाई 2018 को, उसमें करीब 61,800 करोड़ का निवेश हुआ था और उसमें बताया जा रहा है कि करीब 81 ऐसी परियोजनाएं थी, प्रोजेक्ट था जिनका शिलान्यास हुआ था। उसके बाद 28 जुलाई 2019 को जो दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी उसमें करीब 67,000 करोड़ का निवेश हुआ था और 290 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था। अब अगर एमएसएमई सेक्टर की बात की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज ये कार्यक्रम जो होने वाला है इसमें बड़े उद्योगपतियों का भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना बताया जा रहा है। 107 बड़े उद्योगपति इसमें शामिल होंगे और बताया जा रहा है कि 500 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली ऐसी 30 कंपनियां हैं जो करीब 43,906 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो उत्तर प्रदेश में करेंगी। इसके अलावा 100 से 499 करोड़ वाली करीब 108 कंपनियां हैं जो 24,028 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। और अब अगर हम आए एमएसएमई सेक्टर या जो लघु उद्योग हैं उनकी अगर बात करी जाए तो जो छोटे उद्योगपति हैं वो भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में का भी संभावनाएं जो है वो तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम अगर बात करें डेटा सेंटर की, कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें,
हैंडलूम की बात करें अगर, क्योंकि बीते दिनों भी देखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कई तरह के हैंडलूम प्रोडक्ट्स के कार्यक्रमों में शिरकत करते रहे और उसे बढ़ावा देने की बात उन्होंने कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब उस जिले का जो भी प्रोडक्ट है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसे कैसे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जाए, उसे कैसे देश के स्तर पर पहुंचाया जाए, और उसके लिए कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन भी उत्तर प्रदेश में हुआ है और उसे नाम भी दिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसके अलावा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की तरफ से खादी को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया है सरकार की तरफ से। खादी के जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाना हो गया, चाहे कपड़े हो गए या फिर थैले हो गए, सारी चीज़ों का जो प्रोडक्ट है उसको बनाना। इसके अलावा जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको भी बनाने के लिए सरकार की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग जो छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी कहीं ना कहीं जो शुरुआत है वो कराई गई है। इसके अलावा किसानों की अगर बात करी जाए तो आप देख सकते हैं कि गोरखपुर में किस तरह से जो चीनी मिले हैं उनको और फिर से कैसे बढ़ावा दिया गया है सरकार की तरफ से ताकि वो सही तरीके से चल सके। मुंडेरवा की जो चीनी मिलती वो बंद थी लेकिन उसे फिर से चलाया गया है। 5 और ऐसी चीनी मिले हैं जिन पर सरकार काम कर रही थी और उसे बेहतर करके शुरू किया गया है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो एक्सप्रेस वेज हैं उनका निर्माण कराया गया है। 5 एयरपोर्ट्स पर काम चल रहा है। वर्तमान में 9 एयरपोर्ट जो हैं वो उत्तर प्रदेश को मिल चुके हैं। 7 एयरपोर्ट और अभी प्रस्तावित हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा राज्य की कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए 25 करोड़ की जो आबादी है और जो निवेशक है उनकी सुरक्षा के लिए भी सरकार की तरफ से कई सारे जो अहम कदम है वो उठाए जा रहे हैं। आईटी सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है, आईटी हब जो है वो मजबूत किया जा रहा है। और सबसे अहम चीज़ है कि जो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रयास किए गए हैं उसको और कैसे बेहतर किया जाए, उसके लिए कहीं ना कहीं पूरी जो रूपरेखा है वो लंबे समय से खींची जा रही थी, तैयार की जा रही थी और आज उसके तीसरे भाग की शुरुआत है। क्योंकि जिस तरह से कई उद्योगपति इसमें शामिल होने वाले हैं, अडानी ग्रुप इसमें शामिल होने वाला है, लूलू ग्रुप इसमें शामिल होने वाला है। लूलू ग्रुप का एक बहुत बड़ा मॉल जो है वो जो बताया जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा मॉल जो है वो गोमती नगर में वो बन रहा है, तो उसमें भी बड़े पैमाने पर जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा। इसके अलावा अडानी ग्रुप इसमें शामिल हो रहा है, कई सारे जो बड़े उद्योगपति हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में जो रोजगार की संभावनाएं हैं उसके दरवाजे खुलेंगे ही खुलेंगे और एमएसएमई सेक्टर के जरिए जो छोटे उद्योगपति हैं वो भी उत्तर प्रदेश में अगर निवेश करते हैं तो जो युवा जो अपना रोजगार करना चाहता है, अपना व्यापार करना चाहता है, उसे भी काफी बढ़ावा मिलेगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के जरिए। बिल्कुल विभांशु, कई बड़े होल्डिंग और पोस्टर लगे हुए हैं सड़कों पे, अगर वो बात करें सीएम आवास से लेके आईजीपी तक, लेकिन वहां पे एक खास पोस्टर ये भी देखने को मिला है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे प्रदेश, यानी कि सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे है उत्तर प्रदेश में। तो क्या लगता है इस निवेश के बाद एक्सप्रेस वे की संख्या और बढ़ने वाली है? नहीं, इसका आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पूरे पोस्टरों लगाए गए हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं सरकार उसमें सफल हुई है। वहीं आपको बताएं कि 5 राज्यों में अगर देखा जाए तो 5 राज्यों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश उसमें से निवेश के आधार पर पहला है। वहीं अगर बात की जाए इजी ऑफ डूइंग बिजनेस उसमें भी दूसरे स्थान दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो एयरपोर्ट की आप एक्सप्रेसवे की बात करें सिखा तो 4 एक्सप्रेसवे अभी संचालित है, साथ ही साथ ऐसा सरकार का कहना है और 4 निर्माणाधीन है। वहीं अगर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख सकती है कि यहाँ तस्वीरों को बताया जा रहा है कि 3 अभी संचालित है, साथ ही साथ 2 निर्माणाधीन है जिसमें नोएडा का एक जेमर एयरपोर्ट है। वहीं आपको बता के सिखा कि अभी उनको पहले प्रधानमंत्री गांधी प्रतिष्ठान में पहुंचना है, कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए पहुंच गए हैं और महज कुछ ही समय में अब कार्यक्रम की भी शुरुआत होगी। और लगभग अगर बात करें तो निवेशकों की जो आने की प्रक्रिया है वो सुबह से ही निवेशक आ रहे हैं और महज कुछ समय में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और शुरुआत के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री के संबोधन और साथ ही साथ जब दीप प्रज्वलित करके हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल विभांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ दोनों संवाददाताओं का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन कुमार और संवाददाता विभांशु जुड़े थे लखनऊ से। तो दोनों ही संवाददाताओं से हमने चर्चा करी है कि आज जो बड़ी सौगात परियोजनाओं की 1,406 परियोजनाओं की सौगात देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उससे किन किन सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, कितना लाभ होने वाला है प्रदेश को, प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदलेगी, हर एक
क्षेत्र पे फोकस रहेगा, वो छोटे उद्योग हो, बड़े उद्योग हो, एमएसएमई हो, विनिर्माण, ऊर्जा, फार्मा, पर्यटन, रक्षा, एयरस्पेस, हथकरघा, तमाम क्षेत्रों में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई, सभी चीजों पे असर देखने को मिलेगा और इनका असर सीधे तौर पे रोजगार से जुड़ा हुआ है। रोजगार के जो नए क्षेत्र हैं वो खुलेंगे, लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। पलायन की जो समस्या देखने को मिलती थी, लोग अपने घर बार को छोड़ के दूसरी जगह जाते थे काम करने, पैसा कमाने, रोजगार के लिए, लेकिन अब जब निवेश हमारे प्रदेश में ही आ रहा है, लोगों के राज्य में आएगा, प्रदेश में, और साथ ही साथ जिले जिले में जब रोजगार मिलेगा तो पलायन की जो मुख्य समस्या है उससे निजात मिलेगी। किसी एक हिस्से में नहीं, उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन हर एक हिस्से में निवेश की पूरी योजना बनाई गई है। और इस बार का यानी कि जो 3.0, इस बार का जो इन्वेस्टमेंट है, इस बार का जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, ये पिछले दो बार से सबसे ज्यादा है। 80,000 करोड़ का इस बार निवेश देखने को मिलेगा और तस्वीर में देख सकते हैं आप, इतना बड़ा निवेश हो रहा है और निवेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश को बड़ा फायदा है, उत्तर प्रदेश वासियों को एक बड़ी सौगात है। कई बड़े निवेशक आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए, तस्वीर में देख सकते हैं आप किस तरह से स्वागत के लिए लोक कलाकार मौजूद है, सांस्कृतिक कलाओं को दिखाते हुए, सांस्कृतिक नृत्य, सांस्कृतिक कला का प्रदर्शन करते हुए स्वागत में मौजूद है। लखनऊ एयरपोर्ट, साथ ही साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, इसी तरह के जो कलाकार हैं वो लोगों के स्वागत में मौजूद हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचने वाले हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।